वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज का सेशन है क्लास 12th के लिए और आज हम रिवाइज करने वाले हैं द लास्ट लेसन, आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशंस। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ दैट वी हैव स्पेशल कोर्सेज। जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मुश्किल लग रही है एंड आपको लग रहा है कि आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर कोर्सेज एंड लेट देम हेल्प यू गेट बेटर मार्क्स। तो चलिए अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन चैप्टर में हमें क्या पता चलता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स कनेक्शन विद नेशनलिज्म। बेसिकली ये जो कहानी है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सेट हुई है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रशिया, जिसे आज हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, जब उन्होंने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सास एंड लोरेन पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने लिंग्विस्टिक शोविनिज्म अप्लाई करते हुए वहां के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर कर दिया और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने से मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लैंग्वेज ही छीन ली फ्रेंच लोगों की, उनका अपनी मदर टंग को सीखने का हक उनसे छीन लिया। लैंग्वेज इज एन इंटेग्रल एलिमेंट ऑफ वंस आइडेंटिटी एंड कल्चर एंड इट्स सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्ट ऑफ ऑप्रेशन। तो देखिए किस तरह से उन्होंने फ्रेंच लोगों को ऑप्रेस किया, उनसे उनकी लैंग्वेज छीनकर जो कि उनकी आइडेंटिटी और उनके कल्चर का एक हिस्सा है। हम अपनी मदर टंग पैदा होकर ले, बॉर्न बर्थ से ही वो हमारे साथ होती है और अगर कोई हमसे उसे पढ़ने का हक छीन ले तो वो एक हमारा बहुत ही बेसिक राइट और हमारी आइडेंटिटी को हमसे अलग कर रहा है। तो ये होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म जो कि प्रशिया ने फ्रेंच लोगों पर आजमाया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वही चीज हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। तो अब जल्दी से ब्रीफ में चैप्टर की जो कहानी है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर आता है फ्रांस, वो एक यंग लड़का है। वो एक पर्टिकुलर दिन अपने स्कूल के लिए लेट था और उसे डर लग रहा था अपने टीचर से, क्योंकि ऑब्वियसली लेट आने पर टीचर गुस्सा होंगे, और उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने पार्टिसिपल्स का जो ग्रामर का टॉपिक है वो भी रिवाइज नहीं किया था, इस वजह से भी उसे डर लग रहा था। उसे मन कर रहा था कुछ और करने का, जैसे कि वहां से भाग जाऊं, बाहर घूमूं फिरूं, चप चप करती हुई बर्ड्स को देखूं, जो सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं प्रशियन सोल्जर्स उनको देखूं। और फिर उसने चलते चलते जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा क्राउड देखा और जितनी भी न्यूज आती थी वो इस बुलेटिन बोर्ड पर ही लगा करती थी, जैसे कि कोई बैटल हो रहा है, कोई ऑर्डर्स आए हैं, ऐसी कोई भी जो सैड न्यूज थी वो इस बुलेटिन बोर्ड से ही इन लोगों को मिलती थी। तो अब फ्रेंड सोच रहा था कि पता नहीं अब कौन सी न्यूज आई है जिससे पढ़ने के लिए इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ है। फिर जब वो तेजी से जा रहा था तो वॉचर नाम के ब्लैकस्मिथ ने उसे आवाज दी और कहा कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो ये चीज भी फ्रेंड्स को समझ नहीं आई क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेट हो रहा था और ये ब्लैकस्मिथ कह रहा है कि कोई बात नहीं आराम से जाओ, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है ये फ्रेंड्स को नहीं पता चला और वो कंफ्यूज हो गया। फिर हम देखते हैं कि जब वो स्कूल पहुंचता है बेचारे की सांस फूली हुई होती है क्योंकि बहुत तेजी से चल रहा होता है और स्कूल का जो एटमोसफियर है वो बहुत अनयूजुअल होता है क्योंकि वहां पे कोई चहल पहल नहीं है। यूजुअली बहुत आवाजें आती हैं, जैसे कि डेस्क के हिलने की आवाजें, बच्चों के लेसन रिपीट करने की, बोलने की आवाजें और टीचर के रूलर हिट करने की आवाजें, लेकिन उस दिन सन्नाटा था, बहुत ही अनयूजुअल डे था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो, यानी कि छुट्टी वाले दिन जिस तरह से साइलेंस होता है उस एरिया में, उस दिन भी वैसा ही माहौल था। तो फ्रेंड्स को वो बहुत अजीब लगा। फिर उसने एक क्लासरूम की खिड़की से अंदर झांक के देखा तो सब बच्चे अपनी क्लास पर अपनी सीट पर बैठे हुए थे चुपचाप और एम हैमर क्लास में इधर उधर घूम रहे थे और उनका रूलर उनकी बाजू के नीचे था। अब ये जो रूलर है ना, ये एक बहुत ही स्केरी चीज है, बहुत ही डरावनी चीज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्ट्रिक्ट टीचर्स इससे हिट करते हैं हाथ पर जब वो कोई गलती कर देते हैं। फ्रांस ने ब्लश किया और बहुत डरते डरते वो क्लास में एंटर हुआ, लेकिन उस दिन उसके टीचर ने उसको कुछ भी नहीं कहा, रूलर से भी नहीं मारा, डांटा तक नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं था। बहुत अजीब सी बात थी कि वो बहुत ही काइंड और जेंटल थे, बहुत ही विनम्रता से उन्होंने फ्रेंड्स को क्लास में आने के लिए कह दिया। और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि एम हैमर ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई है जो कि वो किसी ओकेजन पर पहनते थे, जैसे कोई स्कूल का फंक्शन वगैरह।
उसे नहीं समझ में आया कि ऐसा उन्होंने क्यों पहना है और पूरी क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अजीब था और सब लोग ऐसे थे जैसे कि बहुत ही गंभीर और शांत हैं। वहां पर फिर उसने देखा कि जो बैक बेंच है क्लासरूम का, वहां पर विलेज के जो एल्डर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, जैसे कि सिटी का मेयर और एक किसान है जिसका नाम है हॉसर, और वो सब बहुत ही दुखी हैं। और कई लोग तो अपनी फ्रेंच की रीडर, जो बेसिक अल्फाबेट की प्राइमर बुक होती है, वो भी लेकर आए हुए हैं। ये चीज भी बहुत अनयूजुअल थी। और एम हैमल ने क्लास को कहा, फिर उन्होंने उनको वो न्यूज दी जिससे कि सारी उलझने सुलझ गई। उन्होंने बताया कि बर्लिन यानी कि प्रशिया की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन ने ऑर्डर किया है कि अब एल्सास और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स के सभी स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज अब वहां पर नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये वो कारण था इन सब अजीब बातों का, क्योंकि उस दिन एम हैमल का उस स्कूल में आखिरी दिन था और इन सब लोगों की फ्रेंच क्लास का लास्ट डे था। ये सुनकर बेचारा फ्रांस तो शॉक्ड में रह गया, क्योंकि अब वो अपनी मदर टंग फ्रेंच नहीं सीख सकता था। अब उसे दुख हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि वो उसने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया चिड़ियों के एग्स को खेलने में और सार में स्लाइडिंग करने में। सार एक नदी का नाम है जिस पर वो स्लाइडिंग करता था। तो इस तरह से वो अलग अलग आउटडोर एक्टिविटीज करता था स्कूल को बंक करके, और अब उसे पछतावा हो रहा था। एम हैवल स्कूल छोड़कर जा रहे थे। फ्रांस बहुत ज्यादा दुखी हो गया और अचानक से उसके मन में एम हैमल के लिए लाइकिंग आ गई और वो चाहता था कि एम हैमल स्कूल छोड़कर ना जाए। तो वो स्ट्रिक्ट टीचर जिसकी क्लास वो अटेंड नहीं करना चाहता था, जब फ्रांस को पता चला कि अब वो जा रही है तो उसे वो अच्छे लगने लग गए और अब वो नहीं चाहता था कि वो जाए। फ्रांस को एम हैमल ने पार्टिसिपल्स का लेसन पढ़ने के लिए बोला, उसे कुछ भी नहीं आया, वो कुछ भी नहीं बोल पाया और फिर उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो सब प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे, आज का काम अगले दिन पर टालते रहते थे और अब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने की। अब प्रशिया ने ऑर्डर कर दिया था कि उनके स्कूल में भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एम हैमर ने कहा कि फ्रांस को बुरा लग रहा है लेकिन वो अकेला गलत नहीं है, सभी लोग गलत हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब सारे जर्मन सोल्जर्स फ्रेंच लोगों पर हंसेंगे क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा ही नहीं आती। और फिर उन्होंने कहा कि फ्रांस के बजाय उसके पेरेंट्स भी गलत हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को काम पर भेज देते थे ताकि वो कुछ पैसा कमा कर लाएं और उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। एम हैमल ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की कि वो भी कई बार बच्चों को छुट्टी दे देते थे जब वो फिशिंग करने जाते थे, या फिर उन्हें पढ़ाने के बजाय वो उन्हें अपने घर भेज देते थे फूलों को पानी देने के लिए। तो एम हैमल ने कहा कि अगर आज फ्रेंड्स तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो उसमें तुम्हारी गलती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी खुद की गलती भी है क्योंकि हम सभी ने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। फिर एम हैमल ने अपनी मातृभाषा की प्रेज की और कहा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और लॉजिकल लैंग्वेज है। और फिर उन्होंने सब लोगों को ये कहा कि तुम्हें अपनी मातृभाषा को गार्ड करना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसी चाबी है जो कि तुम्हें स्लेवरी के प्रिजन से आजादी कर सकती है। फिर उन्होंने ग्रामर का एक लेसन पढ़ा और उस दिन फ्रांस को वो लेसन एक ही बार में समझ आ गया। अब देखिए क्या रीजन है, या तो एम हैमल ने पढ़ाया ज्यादा अच्छे से या फिर उस दिन फ्रांस का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था कि उसे सब कुछ एक ही बार में समझ आ गया। उसे लगा कि उसने पहले कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। फिर उसके बाद राइटिंग का लेसन हुआ और उस दिन एम हैमल उन सबके लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे जिनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग से फ्रांस एल्सास लिखा हुआ था। और क्लास में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सब लोग इतना बिजी थे लिखने में, सिर्फ पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। और तो और क्लास में जब कुछ मच्छर भी आ गए तो भी किसी का ध्यान नहीं बटा, सब लोग लिखने में इतने बिजी थे। और फ्रांस कहता है कि छत के ऊपर जो कबूतर कूकू कर रहे हैं, क्या जर्मन्स उन्हें भी जर्मन लैंग्वेज में कू करने के लिए कहेंगे? इससे राइटर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठा रहे हैं हमारे सामने। वो सवाल ये है कि क्या आप किसी से उसकी मदर टंग छीन सकते हो? मदर टंग एक ऐसी चीज है जो कि हमें बाय बर्थ मिलती है और वो हमारी आइडेंटिटी और हमारी एक जो पर्सोना है उसका हिस्सा होती है। सो द ऑथर वॉन्ट्स टू से दैट नो वन कैन स्नैच
द मदर टंग। जिस तरह से कबूतर, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो या किसी भी कंट्री के हो, वो कू एक अलग ही तरीके से करेंगे, राइट, कंट्री में का कोई असर नहीं होगा। इसी तरह से फ्रांस ये कहना चाहता था कि अगर वो फ्रांस का रहने वाला है तो वो अपनी मदर टंग ही बोलेगा, कोई दूसरे देश का व्यक्ति उसे फोर्स नहीं कर सकता अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए। राइटिंग के लेसन के बाद एक हिस्ट्री का लेसन हुआ और फिर सबने फोनेटिक्स यानी के ऐसे प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स किया। ओल्ड हॉसर जो आया हुआ था, विलेज का एल्डर, वो भी रो रहा था जब वो लेसन को रिसाइट कर रहा था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अपनी यंग एज में उसने भी पढ़ाई को इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज वो अपनी मदर टंग को और एम हैमल के 40 इयर्स की सर्विस को थैंक्स करने के लिए और उसे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के लिए उस दिन क्लास में आया था और अपनी बुक भी साथ में लेकर आया था पढ़ने के लिए। उसके बाद जैसे ही चर्च की क्लॉक 12 स्ट्रक करती है तो उसके एक अलार्म बजती है, तभी उन्हें प्रशियन सोल्जर्स के रिटर्न करने के ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई देती है और उन्हें ये पता लग जाता है कि अब क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है। एम हैमल ने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस ब्लैक बोर्ड पर विवे ला फ्रांस यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस लिख दिया और सबको इशारा कर दिया कि वो जा सकते हैं। तो इसके साथ हमने चैप्टर की स्टोरी का सिनॉप्सिस तो देख लिया, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। सेंसरी डिटेल्स मीन्स ऐसी डिटेल्स जिन्हें या तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम सुन रहे हैं या हम देख रहे हैं या हम फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो जो आप लिख सकते हैं वो था, एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और दूसरा आप लिख सकते हैं साउंड ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइटिंग द लेसन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन हमें इस एक्सट्रैक्ट में दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द प्रोटैगोनिस्ट फील एंग्शियस अबाउट एंटरिंग द क्लासरूम ऑन द पर्टिकुलर डे। ऑप्शन ए, द क्लासमेट्स हैव स्टार्टेड द लेसन। ऑप्शन बी, द टीचर इज इन अ बैड मूड। ऑप्शन सी, द क्लासरूम इज टू क्वाइट। ऑप्शन डी, द प्रोटैगोनिस्ट इज रनिंग लेट। प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर, वो है फ्रांस और वो एंग्शियस क्यों है। तो अगर हम अपने एक्सट्रैक्ट पर चलें तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यानी कि मैंने सोचा था कि क्लास में हलचल होगी, लोग इधर उधर घूम रहे होंगे तो मैं भी बीच में ही स्नीक करके अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि सब लोग तो अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, ऑल माई क्लासमेट्स इन देयर प्लेस, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मैं क्लास में कैसे घुसूंगा और मैं बहुत डरा हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लासमेट्स हैव स्टार्टेड द लेसन, कि भाई सब लोग अपनी सीटों पर बैठे हुए थे और लेसन भी चालू हो गया था, इसी वजह से उसे क्लास में घुसने से डर लग रहा था। द फ्रेज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग सजेस्ट दैट डैश, तो हम क्या कहेंगे, इट सजेस्ट दैट स्कूल वॉज अनयूजुअली क्वाइट एज ऑन अ हॉलीडे। तो जिस तरह छुट्टी के दिन या संडे के दिन स्कूल में बहुत शांति होती है, उस दिन भी वैसा ही माहौल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हेल्प्स वन इन्फर दैट दिस वाज नॉट द प्रोटैगोनिस्ट फर्स्ट टाइम बीइंग लेट फॉर स्कूल। तो उसके पहली बार क्यों नहीं थी ये, उस पहले भी हम इसमें लिखेंगे कि एक्सट्रैक्ट से हमें ये पता चलता है कि उसके पास एक प्लान था कि वो क्लास में तब एंटर होगा, क्लास में हलचल होगी और वो उस हलचल के साथ ही एंटर होके अपनी सीट तक पहुंच जाएगा। तो इस प्लान से ये पता लगता है कि उसने पहले भी इसे एग्जीक्यूट किया है, पहले भी वो लेट हुआ है और इस तरह से कमोशन का फायदा उठाकर वो अपनी सीट तक पहुंचा है, इसी वजह से वो ये प्लान यूज करने के सोचता है। तो इससे पता लगता है कि वो पहले भी लेट हुआ है। व्हाट डज द टर्म टेरेबल आयरन रूलर इंडिकेट अबाउट एम हैमल। Terrible iron ruler indicates that M. Hamel was a strict teacher. He used to punish his students. Next question. Which of the following headlines best suggests the central idea of the extract?
हमारी ऑप्शंस हैं द फियर ऑफ अ लेट कमर, द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, द रिजिडिटी ऑफ द स्कूल सिस्टम, द एंग्जाइटी ऑफ अ यंग स्टूडेंट। अब देखिए इसमें पूरे एक्सट्रैक्ट में फ्रांस के डर के बारे में हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट था। तो क्या सीन था स्कूल का, फ्रांस ने क्या प्लान किया था और उसका प्लान फेल हो गया। तो इसमें हम कहेंगे ऑप्शन बी द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट हेडलाइन फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्राइसिस ब्रिंग्स आउट आवर ट्रू कैपेसिटी फॉर कंपैशन एंड काइंडनेस। मींस जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तभी पता चलता है कि हम कितने कंपैशनेट और काइंड हो सकते हैं। अब सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट यूजिंग एम हैमल फ्रॉम द लास्ट लेसन एज एन एग्जाम्पल, स्टेट एनी वन डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इस आंसर में आप लिखेंगे कि फ्रेंच लोगों के ऊपर एक क्राइसिस आया। वो क्राइसिस क्या था, दैट प्रशिया ऑर्डर्ड जर्मन टू बी टॉट इन एल्सास एंड लोरेन। तो हम कहेंगे कि ये क्राइसिस था कि प्रशिया ने ऑर्डर कर दिया था कि अब एल्सास एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और इससे हमें एम हैमल के कंपैशन और काइंडनेस के बारे में क्या पता चलता है, इसमें हम लिख सकते हैं कि उस दिन ही वॉज नॉट स्ट्रिक्ट, फिर हम ये भी लिख सकते हैं ही डिड नॉट यूज द रूलर। यू कैन ऑल्सो से दैट ही एडमिट्स हिज फॉल्ट, वो मान लेते हैं कि उन्होंने भी टीचिंग को सीरियसली नहीं लिया। वो भी बच्चों को अपने फ्लावर्स को पानी लगाने के लिए भेज देते थे और जब वो फिशिंग जाते थे तो वो उन्हें छुट्टी भी दे देते थे। और ही वॉज पेशेंट, उनमें बहुत ज्यादा पेशेंस थी, बड़े आराम से उस दिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। और वो भी इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो चोक कर जाते हैं और बोल नहीं पाते। तो ये सब चीजें से पता लग रहा है कि ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन एंड काइंडनेस। तो इनमें से आप कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अपने आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। तो इसमें क्या है कि फ्रेंच लोगों ने अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का राइट लूज कर दिया था और उस दिन उन्हें उसकी ट्रू वैल्यू रियलाइज हो रही थी। अब फ्रांस को पछतावा हो रहा था और उसे शॉक भी फील हो रहा था ये न्यूज पढ़ सुनकर, और अब वो फ्रेंच पढ़ना चाहता था। सो आप इस आंसर में ये लिखेंगे कि फ्रांस की तरह ही हम सभी के साथ ऐसे ही होता है, दैट व्हेन वी लूज समथिंग देन वी रियलाइज इट्स ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू रियलाइज दैट मैन हैज एन इंटेंस डिजायर टू सबजुगेट अदर्स, यू फील दैट इन द मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर ब्रदरहुड। So you have to write an article in 120 to 150 words for a magazine. Basically, इस article का जो title है आप वो भी decide करेंगे और फिर इसका content भी lesson से related होगा। आपने यही लिखना है, आपने एक backdrop देनी है कि किस तरह से जब प्रशिया ने फ्रांस को annex कर लिया तो उन्होंने उनके दो districts में German language पढ़ाने के orders दे दिए और French language पढ़ाने पर ban लगा दिया। दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, किस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज को उन पर इम्पोज किया और फ्रेंच लोगों की आइडेंटिटी का एक हिस्सा उनसे छीनने की कोशिश की। और फिर आप ये लिखेंगे दैट दिस डिजायर टू सब्जुगेट अदर्स टू सच एन एक्सटेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी नीड ब्रदरहुड इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर। देश फर्स्ट ऑफ ऑल देर शुड नॉट बी वॉर बिकॉज war is always destructive and war has no use, it is useless, and we need brotherhood. Neighboring countries fighting with each other and killing each other and trying to subjugate the other country is not acceptable, and we need universal brotherhood. We are all the same and barriers of language should be removed. Maybe you can also propose that one step can be taken that we have one word, one language, so that universal brotherhood can be applied in a better way.
इस तरह से आप क्रिएटिवली अपने भी कुछ आइडियाज इस आंसर में डालकर एक अच्छा सा आर्टिकल तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर आई मस्ट स्टॉप देयर देन द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड इलिटरेसी और बैकवर्डनेस स्टिल प्लेग आवर कंट्री व्हाट क्वालिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनिस्ट एंड यू डू यू थिंक विल हेल्प टू सरमाउंट दिस हर्डल। सो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर हमने अपने कॉन्टेक्स्ट, अपनी कंट्री इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देना है। अब इंडिया में हम सबको पता है कि जो बहुत ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री के लिए एक ड्रॉबैक भी है और उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है हर पॉलिसी में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एजुकेशनिस्ट हैं, दे शुड रेज अवेयरनेस अमंग द पुअर पीपल Why should they study? What is the benefit? What is the use of going to school and what is the use of education? Maybe some attractive schemes can be launched for such marginalized students so that they go to school. And then we have to do some acts of philanthropy. Jitne bhi rich business magnates hain, they should be to donate to such causes, to raise campaigns for education, the masses of our country. एंड जो यूथ है हमारी कंट्री का, इतना बहुत बड़ा इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन है यूथ की बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25, सो दे कैन बी चैनलाइज, दे कैन बी यूज एज वॉलंटियर्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन स्कूल्स एंड दे कैन बी यूज एज अ हेल्प टू मोटिवेट द यंगर जनरेशन टू गो टू स्कूल एंड गेन एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Though tempted by the bright day, France stated that he had the strength to resist and hurried off to school. As the story progresses, the reader realizes that France, M. Hamel and the villagers would perhaps need the strength to resist much larger forces. Discuss how the story provides strategies for resistance and protection of one's identity and community through its events and characters. Provide relevant textual details to support your argument. तो इस आंसर में हमने बताना है कि ये जो कहानी है इसमें पहले तो फ्रांस ने सिर्फ यही कहा कि उसका मन कर रहा था कि वो स्कूल ना जाए, लेकिन फिर उसने इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और वो स्कूल चला गया। उसके बाद जब एक बहुत बड़ी न्यूज उन्हें पता चलती है कि उनकी कंट्री पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है और अब उनके स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो हमारे राइटर कहते हैं कि अब उन्हें बहुत ज्यादा और स्ट्रेंथ चाहिए थी इन बहुत बड़ी पावरफुल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए। तो इस कहानी में एक जो स्ट्रैटेजी हमने देखी है वो स्ट्रैटेजी एम हैमल ने अपने स्टूडेंट्स को बताई और उन्होंने उन्हें कहा that you should never leave your language. The mother tongue is the key to freedom from the prison of slavery. ये जो statement है ये इस chapter में बहुत important है और आप इसे answer में use करेंगे और आप कहेंगे कि M. Hamel ने अपने students को ये strategy provide की that you can be attached to your identity, you can protect your identity If you protect and save your language. So never leave your language. This is the message that M. Hamel has given in this story. So you have to write this in this. So with this we come to an end of this session. Thank you for watching this video. और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि English का score improve करने के लिए please subscribe to our courses specially designed for students of class 12.